हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल शबीन ब्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम हमारे न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बॉम्बे भिंडी बाज़ार और आज मैं जा रही हूँ आरिफ स्टोर और उनका ही एक और स्टोर है जिसका नेम है फिरोज़ स्टोर, उसे एक्सप्लोर करने। सो फ्रेंड्स, ये जो बॉम्बे का आरिफ स्टोर एंड फिरोज़ स्टोर है बहुत 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 फेमस है फॉर किड्स और यहाँ पर इतने कलेक्शंस होते हैं एंड इतनी रश होती है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मीन्स यू नो, लाइनें लगती हैं यहाँ पर जाने के लिए। सो फिलहाल तो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हम लोग जाएंगे फिरोज़ स्टोर जो कि आरिफी स्टोर का है और अभी फ़िलहाल मैं बाहर के वीडियोस ले रही हूँ जो कि स्ट्रीट पर यूँ लगे हुए हैं। कॉस्मेटिक्स हैं एंड सैंडल्स वगैरह है, बहुत कुछ यहाँ मिलता है। यू नो बॉम्बे तो एज यू नो फ्रेंड्स, पता ही होगा जो लोग बॉम्बे में रहते हैं कि यहाँ कितना रश होता है और इतनी शॉप्स हैं यहाँ पर कि हर चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये है फिरोज़ स्टोर जो कि आरिफी स्टोर वाले का है एंड अब हम लोग इसमें एंटर होने वाले हैं। यहाँ पर किड्स के कलेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। सो ईद के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए हुए हैं यहाँ पर। हम आए हैं मेरे नीज़ और नेफ्यू के लिए ड्रेसेस लेने यहाँ से, सो उनकी शॉपिंग हम यहीं से करेंगे। सो आज मैं हूँ, मेरे साथ मेरी भाभी हैं और हम लोग आए हैं शॉपिंग पर। सो फ्रेंड्स, आप लोग एंड तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। फाइनली हम लोग जो है वो एंटर हो चुके हैं फिरोज़ स्टोर में और ये है फिरोज़ स्टोर। एंड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कितना रश है, अंदर भी है एंड बाहर भी रश है। बाहर तो लाइनें लगानी पड़ रही है और यहाँ पर भी वेट करना पड़ रहा है अंदर भी, क्योंकि जगह ही नहीं है कि हम लोग कहाँ ड्रेस देखते हैं। सो हमने अंदर वेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें बाहर लाइन नहीं लगानी पड़ी। बाहर यू नो गर्मी भी थी एंड धूप भी थी, लेकिन यहाँ जो एक सेल्समैन थे उन्होंने हमें अंदर ले लिया, अल्लाह का शुक्र है। सो हम अंदर आ गए हैं और अभी तो यहाँ तो एसी है तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है और मैं वीडियोज़ ले रही हूँ ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। ये हमारे जो बॉम्बे का भिंडी बाज़ार है, जो फिरोज़ स्टोर है, बहुत ही फेमस है और यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस होते हैं किड्स के। और यहाँ पे आपको हर वैरायटीज़ के ड्रेस मिलेंगे, चाहे वो गाउन में हो, कॉट सेट में हो, इंडो वेस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, और बॉयज़ के लिए कुर्ता पैजामा में, जैकेट्स में, शर्ट पैंट में, टी शर्ट पैंट में, हर वैरायटीज़ के कलेक्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे। ये शॉप जो है वो किड्स की शॉपिंग के लिए बेस्ट है। सो यू नो ये बहुत फेमस भी है और ये यहाँ इसी तरह से यूं ही भीड़ रहता है और यूं ही यहाँ पे लाइनें लगानी पड़ती है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनके कारोबार में और बरकत अता करे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही रश रहता है, बहुत ही। और यहाँ पर एक्चुअली में कलेक्शंस भी इतने अच्छे होते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और मेन तो प्राइस भी बहुत रीज़नेबल होता है, तो सब लोग ज़्यादा ही प्रेफर करते हैं इस शॉप को। सो हम भी यहाँ आए हैं शॉपिंग के लिए और इतने इन लोगों के पास इतने वैरायटीज़ होते हैं दिखाने के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कि कंटिन्यूसली ये लोग दिखाते रहते हैं। और माशाल्लाह इस शॉप में जो है इतने सेल्समैन हैं, इतने सेल्समैन हैं, वो सेल्समैन कम पड़ जाते हैं और पब्लिक इतनी होती है। पता है अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों का नंबर नहीं आया है, हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा टर्न कब आएगा और हम लोग कब ड्रेसेस देखेंगे। यहाँ पर पूरा एकदम से पूरा शॉप जो है माशाल्लाह भरा हुआ है और यूँ ही इसी तरह यहाँ रहता है। और मैं ये फिर से कहना चाहूँगी कि ये शॉप जो है वो बेस्ट है फॉर शॉपिंग और आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे ड्रेसेस भी मिलेंगे। सो आप लोग ज़रूर यहाँ विज़िट करें, काफ़ी अच्छा शॉप है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है टी शर्ट पैंट बॉयज़ के, ये भी कितने अच्छे हैं। यहाँ पे कुर्ते पैजामेस के भी कलेक्शंस माशाल्लाह बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं एंड इवन स्टाइलिश भी होते हैं। और यहाँ पर इंडो वेस्टर्न्स में भी गर्ल्स के लिए मिलते हैं एंड लहंगा, गाउन, कॉट सेट, यू नो हर वैरायटीज़ के ड्रेसेस यहाँ पर दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रेसेस यहाँ पर मिलते हैं। सो ज़रूर यहाँ विज़िट करें किड्स के शॉपिंग के लिए, बहुत ही बेस्ट है फॉर शॉपिंग दिस प्लेस। सो अभी हम जो है वेट कर रहे हैं और यहाँ जो है सेल्समैन कुर्ता पैजामा दिखा रहे थे, ये दूसरे लोग हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं ये भी माशाल्लाह। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स, कुर्ते पैजामे के कलेक्शंस यहाँ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही यूनिक होते हैं एंड इवन स्टाइलिश भी होते हैं। सो अभी भी हम वेट ही कर रहे हैं और मैं तो इंजॉय कर रही थी क्योंकि अच्छा लग रहा था, इतना रश था और मैंने तो वीडियोस भी लेनी थी ताकि मैं अपने वाईटी फैमिली के साथ शेयर कर सकूं। सो मुझे तो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा था और इनाया आसिया भी बहुत इंजॉय कर रहे थे।
सबके ड्रेसेस देख रहे थे वो लोग एंड मैं भी, और साथ ही साथ मैं वीडियोस भी ले रही थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब इतने बिजी हैं कि इन लोगों को देख के वो लगता है कि मुझे इन लोग कितनी मेहनत करते हैं, इन्हें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि पब्लिक्स जो है वो आती रहती हैं, सो इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। ये ब्लैक गाउन बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, एंड गाउन्स के कलेक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है ये कि, और ये है मर्जेंटा गाउन, ये भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह, लेकिन आसिया को पसंद नहीं आया। सो हमने यहाँ से शॉपिंग तो करनी है लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ अभी रिवील नहीं करूँगी, इंशाल्लाह वो मैं ईद में ही दिखाऊँगी इंशाल्लाह। सो यहाँ जो है हम लोग देख रहे थे ड्रेस और काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे, काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये भी ड्रेस जो था वो बहुत ही अच्छा था एंड ये भी अच्छा था, माशाल्लाह सभी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो बहुत अच्छा होगा वही हम लोग लेंगे। सो यहाँ पर अभी हम अब्दुल्ला के लिए भी ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे। सो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस इनके पास आए हुए ईद के कलेक्शंस हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये जो बच्चों के जो कुर्ते पैजामे ना छोटे से, वो तो इतने क्यूट लग रहे थे माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, बहुत ही क्यूट ड्रेसेस थे। कलरफुल्स में जो कुर्ते पैजामास इनके पास होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं वो, और बहुत ही स्टाइलिश भी लगते हैं। वेडिंग वेयर टाइप्स भी है जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही क्यूट है कुर्ते पैजामास। एंड गर्ल्स के कलेक्शंस तो इतने अच्छे थे कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये ड्रेस भी अच्छा लग रहा था जो कि पूरा ग्लिटर था, इसमें काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था ये ड्रेस भी। प्लाजो में है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही एलिगेंट लग रहा था ये ड्रेस। सो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी कुछ हमें दिखाया, बहुत सारे ड्रेसेस दिखाए, बहुत सारे कलेक्शंस दिखाए। सो उनमें से हमने चूज़ किया इनाया एंड आसिया के लिए, लेकिन वो ड्रेस मैं अभी आप लोगों के साथ रिवील नहीं करूँगी, वो इंशाल्लाह मैं ईद में ही करूँगी। फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी है। सो ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। So please do like, share, comment and subscribe our channel. Thank you so much for your love and your support and thank you so much for watching this video. Aur ha, also hit a bell icon for more updates. Bye, take good care of yourself. Allah Hafiz.